नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। आइए देख लेते हैं आज के इंदौर मंडी के आलू प्याज और लहसुन के भाव क्या भाव रहे हैं, कौन सी क्वालिटी क्या भाव तक बिक रही है, बाजार लगभग सभी में समान है। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरा आप सभी से खासकर निवेदन है, सभी किसान भाइयों से और सभी देखने वाले दर्शकों से, आप लाइक करते हैं हमारा हौसला बढ़ता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके लाइक आते हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। दोस्तों, इंदौर मंडी में आज बात करें देशी लहसुन के बाजारों की, तो एक्स्ट्रा मोटा साइज़ के जो फुल साइज़ माल इंदौर मंडी में आ रहे हैं 7200 से 7500 रुपए तक बिक रहे हैं। बढ़िया मोटा की अगर हम बात करें तो 6500 से 7200 रुपए, फुल गोला माल 5500 से 6500 रुपए, बढ़िया लड्डू की पोजीशन 4500 से 5500 रुपए की रही, मीडियम माल 3000 से 4200 रुपए तक बिका, एवरेज मीडियम और सेंटेड मालों की बात करें तो 1500 से 2800 रुपए तक की पोजीशन, आवक 8000 बोरी, बाजार समान रहा, लेवाली ठीक देखने को मिली। वहीं प्याज के बाजारों की बात कर लें तो बाजार लगभग समान है, ऊपर में आज भी एक लोड 1450 रुपए बिका है, बढ़िया मोटा 1300 से 1400, मीडियम की पोजीशन 1250 रुपए से लाकर के 1300 रुपए, गोल्टा माल जो है 1150 से 1250 रुपए, गोल्टी मालों की जो पोजीशन है 200 रुपए से लाकर के 1100 रुपए तक की आज देखने को मिली है। आवकों की बात करें तो 50,000 से 55,000 कट्टों की आवक आज प्याज में देखने को मिली है, बाजार समान रहा है, लेवाली भी ठीक ठाक आज प्याज में देखने को मिली है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आलू के भाव की, तो चिप्स आलू जो है 1000 रुपये से लगा करके 1100 रुपये तक बिक रहा है, राशन आलू 900 रुपये से 1000 रुपये, गुल्ला आलू 600 रुपये से लगा करके 800 रुपये की पोजीशन रही, छर्री आलू की अगर हम बात करें तो 400 रुपये से लगा करके 600 रुपये तक बिके हैं, हल्का आलू 300 रुपये से 400 रुपये, आव के लगभग 6000 कट्टों की रही और बाजार इंदौर में समान देखने को आलू में मिला है।